नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GPN24। राजस्थान के जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का ट्रक पलटने से बड़ा हादसा हो गया। रिपोर्ट की माने तो इस हादसे में BSF के एक जवान की मौत हो गई है, तो वहीं 12 से ज्यादा जवानों के घायल होने की आशंका है। घायल BSF जवानों को राजकीय जवाहर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो BSF के 149वीं बटालियन के जवान बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, अस्पताल में BSF के अधिकारी पहुँच चुके हैं और मृतक जवान का नाम SK दुबे बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक BSF के जवान भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर चल रहे अलर्ट में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में यह बड़ा हादसा हुआ। यह हादसा सुहागढ़ के थाना क्षेत्र के लंगतला के पास हुआ है। हादसे को लेकर BSF के अधिकारी आगे की कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GPN24। ये है Genesis Media Network और आप देख रहे हैं GPN24 News।